काफिर जो उनके मुकाबले में आया हो वो सबके सब सच्चे हो। समझे कहा मौलाना, एक मैदान था उसको तारीख में मैदान मुबाहला कहा गया। क्या हुआ? कहा नजरान, अरब में एक जगह है नजरान, जहां के ईसाई पादरी आए मेरे नबी से बहस करने। किस मौजू पर बहस थी? ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा इब्न अल्लाह है, मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अब्दुल्ला है। ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे, इस्लाम कहता है ईसा अल्लाह के हक नबी। तो सारे ईसाई पादरी आए मेरे नबी से बहस करने कि आप मुसलमानों का अकीदा है ईसा अब्दुल्ला है, हम ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा इब्न अल्लाह है। तो मेरे नबी ने पहले जवाब नहीं दिया। और मैं अपने जवानों से भी कहता हूं, जब कोई तुमसे सवाल करे ना कि भाई ये आजादारी कैसे करते हो, आजादारी कहां लिखा है, ताजियादारी कहां लिखा है, जुलूस कहां है, मातम कहां है, गिरिया कहां है, आलम कहां है, ताबूत कहां है, तो पहले उससे जवाब ना देना, उसके सवाल को ही हिला देना। जब तुमसे कोई कहे मुसलमानों के ताजियादारी कुरान में दिखाओ, तो पहले उससे कहना कि बीसवीं का तरावी भी कुरान में दिखाओ। आप देखो मैं बात कर रहा हूं, मेरे सामने मेरे शिया सुन्नी सारे भाई मौजूद है, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात करता हूं। हवा में फायर नहीं करता शबीर रशीद। जब कोई सवाल करे तो जवाब बाद में देना, पहले कौन का सवाल करना। तो ईसाइयों ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो नबी ने जवाब बाद में दिया। पहले कहा कि तुम इस बात की दलील दो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो ईसाई पादरियों ने कहा कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए अल्लाह के बेटे हैं। तो मेरे नबी ने कहा अगर इस बुनियाद पर तुम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हो कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो तुम्हें चाहिए कि पहले आदम को अल्लाह का बेटा मानो। तुम्हें चाहिए कि पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानो, इसलिए कि वो बगैर बाप और बगैर मां से पैदा हुए। मगर कहते हैं कि जो जिद पर आ जाए वो किसी की नहीं मानता। यानी अगर कोई सोच ले कि भाई हम ही इलाहाबाद के शिवली नुमानी हैं, तो फिर उससे बहस नहीं हो सकती। भाई जो सोया हुआ है उसके आंखों में एक गिलास पानी डालो उठ जाएगा, मगर जो मनहूस मठिया के लेटा है पूरी बाल्टी पानी डाल दो नहीं उठने वाला। तो ये ईसाई मठियाए हुए थे, नबी दलील पे दलील दे रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। तौरात से दलील दी नहीं माना, ज़बूर से दलील दी नहीं माना, कुरान से दलील दी नहीं माना, इंजील से दलील दी नहीं माना, अक्ल से दलील दी नहीं माना। तीन दिन गुजर गए मेरे नबी से और ईसाई पादरियों से बहस हो रहा है। जब तीन दिन गुजर गए और ये लोग मेरे नबी की दलीलों को मानने को तैयार नहीं थे, तो अल्लाह की कुदरत को जलाना गया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने आके फरमाया ऐ मेरे आका, अल्लाह बादे दरूद और सलाम फरमाता है कि अब ये इस लायक नहीं है कि आप इनसे मजीद बहस करें। आप तीन दिनों से दलील पे दलील दे रहे हैं, तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, कुरान से, ये दलील मानने को तैयार नहीं रहे। अब आप इनसे मजीद बहस ना कीजिए। मेरे नबी ने कहा तो क्या करें? अल्लाह ने कहा फकुल तालो रदो अपना ना भगना को। बहस ना करो,
आप इनसे कहिए कि लाए ये अपनी औलादों को, हम अपनी औलादों को लाते हैं, लाए ये अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को लाएंगे। वन निशाना वन निशा को लाए ये अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को लाते हैं। वन फोसाना वन फोसा को लाए ये अपने नफ्सों को, जानों को, हम अपने नफ्सों को जानों को लाते हैं। क्या होगा? वन जाल लानत अल्लाही अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। मुसलमानों समझना, मुबाहला कब होता है? जब दो लोगों के दरमियान मुनाजरा हो रहा हो, बहस हो रहा हो और दोनों में कोई भी हारने को तैयार ना हो, दोनों एक दूसरे को बातें ठहरा रहे हो, खुद को हक पर समझ रहे हो, तो क्या किया जाता है? जब कोई नतीजा नहीं निकलता तो दोनों लोग मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार जो झूठा हो उस पर तो लानत अल्लाह। इसको अरबी में कहते हैं मुबाहला। अब अल्लाह ने कहा मेरे नबी इनसे कहो कि ये अपने बच्चों को लाए, हम अपने बच्चों को लाएंगे, ये अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाते हैं। वान को साला वान को सको ये अपनी जानों को लाए, हम अपने जानों को लाते हैं। हजरत सहाबी रसूल साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बच्चों की बात आई तो नबी ने किसी और के बच्चों को नहीं लिया, अली के दो बच्चों को लेकर गए। कौन बच्चे? इमाम ने नैया रहने सैया रहने रिमला कहने शारी कहने हरा मैंने सिंह कहने आसान हो उठाए। इमाम करीम नैया रहे सैया रहे रिमला रहे शरीफ है हरा मैं हसन है। सिर्फ हसन हुसैन को लेकर निकले। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अरब में और भी तो बच्चे हैं, किसी और के बच्चों को भी लेकर चले जाइए। आवाज आई तूने आयत नहीं पढ़ी, फना जान लाना करना है अलग का शरीर। आयत कह रही है बच्चों को लेकर नहीं जाना, सच्चों को लेकर जाना। अपना नफ्स अपनी जान बनाकर लेकर जा सकते थे, मगर जब बात
नफ्से की आई तो फकत अली मुर्तजा को लेकर निकले। अच्छा आज मुसलमानों सुनना, तुमसे लोग पूछते हैं ना ये पर्यटन क्या है, आज मैं तुम्हें समझाता हूँ पर्यटन कौन कौन है। नबी अकेले निकले एक टन, नबी के साथ अली निकले दो टन, अली के साथ फातिमा निकली तीन टन, फातिमा के साथ हसन निकले चार टन, हसन के साथ हुसैन निकले पंच टन। समझो के पंच टन कौन है। अच्छा अब जब नबी लेकर निकले तो आयत में था जमा का सीगा, कई बच्चों को लेकर जा सकते थे मगर दो बच्चों को लेकर गए, कई औरतों को लेकर जा सकते थे मगर एक औरत को लेकर गए। आयत में जमा का सीगा हाथ फसाना, कई नफ्सों को लेकर जा सकते थे एक अली को लेकर गए। मैंने कहा परवरदिगार जब तेरा नबी दो बच्चों को एक औरत को और एक जान लेकर जा रहा है तो फिर जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया। क्या वजह यह है कि अगर आयत में जमा का सीगा नहीं होता तो बाद में मुनाफिक कहता जान तो हम भी सकते थे मगर आयत में गुंजाइश नहीं थी। देख रहे हैं कि मुसलमानों के रसूल जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं
के चेहरे नजर आ रहे हैं मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अपने साथ जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं चेहरों के नूर से पता चलता है कि ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए।